बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जज पुष्पक गनेडीवाला ने यौन शोषण पर दो ऐसे फैसले दिए जिस पर खूब विवाद हुआ था। अब उस फैसले से नाराज होकर अहमदाबाद की एक महिला ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें 150 कॉन्डोम भेज दिए। ये कॉन्डोम उसने जस्टिस गनेडीवाला के चैम्बर, नागपुर बेंच की रजिस्ट्री और मुंबई हाई कोर्ट समेत 12 जगहों पर भेजे हैं। इस महिला का नाम देवश्री त्रिवेदी है, यह अहमदाबाद से है। देवश्री त्रिवेदी का दावा है कि वो जस्टिस गनेडीवाला के फैसलों से नाराज थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देवश्री का कहना है कि वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गनेडीवाला के इस फैसले के कारण एक नाबालिग लड़की को न्याय नहीं मिला। देवश्री ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला को निलंबित करने तक की मांग कर दी। आपको बता दें कि जस्टिस गनेडीवाला ने पिछले दिनों नाबालिग बच्चियों के सेक्सुअल असॉल्ट के केस पर सुनवाई करते हुए दो ऐसे फैसले लिए जिस पर खूब विवाद हुआ। उन्होंने 19 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि 12 साल की नाबालिग बच्ची को निर्वस्त किए बिना उसके वक्षस्थल को छूना यौन हमले के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस तरह की हरकत को पॉक्सो एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत इसे यौन हमला नहीं माना जाएगा। इसी तरह का एक और फैसला देते हुए 28 जनवरी को जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने कहा कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन हमला नहीं माना जाएगा। देवश्री त्रिवेदी ने 9 फरवरी को जस्टिस गनेडीवाला के अलग अलग चैम्बर्स में ये कॉन्डोम के पैकेट भेजे थे। देवश्री का कहना है कि कॉन्डोम भेजना विरोध की निशानी है। एक महिला के रूप में मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के रजिस्ट्री कार्यालय का कहना है कि उन्हें अभी तक इस तरह का कोई पैकेट नहीं मिला है। अगर ऐसा है तो इस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि यौन शोषण के मामलों में एक के बाद एक विवादास्पद फैसले देने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट की अस्थायी जज पुष्पा गनेडीवाला को अगले 2 साल तक परमानेंट ना करने की ठान ली थी। वैसे जस्टिस गनेडीवाला का अस्थायी जज के रूप में कार्यकाल 13 फरवरी 2022 तक का है। कोलेजियम ने उनको 13 फरवरी 2022 तक इसी रूप में रखे जाने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने 1 साल और घटाते हुए 13 फरवरी 2021 तक ही एक्सटेंशन देने के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि कोलेजियम ने कुछ दिन पहले ही अपने कुछ जजों के बीच तमाम अंतर विरोधों के बावजूद जस्टिस गनेडीवाला को स्थायी जज बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी थी, लेकिन उनके लगातार विवादित फैसले की वजह से कोलेजियम को अपनी ही सिफारिश में बदलाव करना पड़ा। कोलेजियम ने जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला को अगले 2 साल तक अस्थायी जज ही बनाए रखने की सिफारिश की है, लेकिन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में भेजी गई फाइल में जस्टिस गनेडीवाला को सिर्फ 1 साल तक ही अस्थायी जज के रूप में विस्तार दिए जाने की बात कही गई है।